हाय एवरीवन, हाउ आर यू। उम्मीद करते हैं कि आप लोग सही से होंगे। चलो आज चैप्टर जेई मेन 2019 का चैप्टर कौन सा, गैसेस स्टेट। ओके, 2019 में जो जेई मेन का क्वेश्चन पूछा गया था कौन से चैप्टर से, गैसेस स्टेट से, उसका हम क्या करने वाले हैं आज, उसको हम देखने वाले। चलो बगैर देर की वह देखते हैं, चलो पहले क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। हाँ, क्वेश्चन डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया होगा, वहां पे जाकर के देख लेना। ओके, तो क्वेश्चन क्या है, 0.5 मोल ऑफ गैस ए एंड एक्स मोल्स ऑफ गैस बी एग्जर्ट अ प्रेशर ऑफ 200 पास्कल्स इन अ कंटेनर ऑफ वॉल्यूम 10 ओके मीटर के एट 1000 केल्विन। गिवन आर इज द गैस कॉन्स्टेंट इन जूल पर केल्विन पर मोल, तो व्हाट इज द एक्स। फाइनली यहाँ पे हमको क्या करना है, एक्स फाइंड करना है। पहले इसके जो भी डेटा दिया हुआ वहाँ पे लिख देते हैं, ठीक है। इसका बिगिनर्स जो भी कंपटीशन में क्या होता है, कंपटीशन में टाइम सब मतलब कम रहता है, ठीक है, उसके लिए हम लास्ट में बताएंगे। लेकिन जो बिगिनर्स है, जो सीखना चाह रहे हैं, ठीक है, जो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन से नहीं होता है, तो फिर यहाँ पे तो वही लोग आते ही हैं, ठीक। तो यहाँ पर हम बिगिनर्स के लिए थोड़ा सा हो सकता है कि थोड़ा सा बड़ा बनाए, लास्ट में हम शॉर्टकट मेथड ही बता देंगे, ठीक है, कैसे फटाफट पुट करके कैसे हमको आंसर मतलब होता है वहाँ पर। इसलिए यहाँ पर थोड़ा सा डिटेल से अगर हमको बनाना पड़ जाए तो इसलिए बना रहे, ठीक। तो थोड़ा लेंदी तो हो सकता है, लेकिन इसको अगर पूरा देख लेंगे तो पूरा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा। चलिए, तो क्वेश्चन क्या दे रखा है, क्या दे रखा है, बोल रहा है क्या, 0.5 मोल ऑफ गैस है, 0.5 मोल ऑफ गैस है। मान लेते हो कि मान लो मोल ऑफ गैस ए कितना है, 0.5 मोल दे रखा है, एंड मोल ऑफ गैस बी कितना दे रखा है, एक्स मोल दे रखा है, ठीक है। उसका बोल रखा है कि जो प्रेशर जो है किसका, किसी चीज का प्रेशर जो किस पे डिपेंड करता है, कंटेनर में, कोई कंटेनर है, ठीक है ना, इसके अंदर कोई कंटेनर है, कोई गैस ए है इसके अंदर और कोई गैस बी है, ठीक है। इसका इसके अंदर क्या होगा, इसके अंदर मोल होगा दोनों का मोल होगा, ठीक है, दोनों एक साथ मिलकर प्रेशर एग्जर्ट करेगा, तो वो अलग प्रेशर दे रखा है। प्रेशर जो है, प्रेशर कितना दे रखा है, प्रेशर किसे सूचित करते हैं, ठीक है, पी से करते हैं, प्रेशर कितना दे रखा है, 200 पास्कल्स ओके। उसके बाद टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1000 केल्विन ओके। उसके बाद क्या दे रखा है, वॉल्यूम कितना दे रखा है, 10^10 मीटर क्यूब ओके। तुमको मालूम होगा जो आइडियल गैस लॉ इक्वेशन क्या है, आइडियल गैस इक्वेशन जिसको मालूम रहेगा ना, ये वाला आराम से उससे बन जाएगा। चलो देखते हैं आइडियल गैस इक्वेशन क्या है, मालूम है नहीं मालूम तो चलो देखो। फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या लगाएंगे, फ्रॉम आइडियल गैस इक्वेशन क्या होता है, पीवी बराबर एन आर टी, यहाँ पे इन टोटल, यहाँ पे देखो एक कंटेनर है उसके अंदर दो गैस है, ठीक है ना, दोनों का मोल आपस में पार्टिसिपेट किया होगा। मान लो तुम एक पार्टी में गए, ठीक है, तो पार्टी में क्या होता है, जैसे कि मान लो कहीं गए पार्टी करने, तो क्या होता है वहां पर कि सब ज्यादा अगर बिल आ जाता है तो क्या होता है, सब उसके अंदर क्या करते हैं, सब मतलब इकट्ठा करते हैं पैसा को, फिर उसके बाद उसको पेमेंट करते हैं, ठीक है। उसी तरह यहाँ पे गैस है, गैस यानी कि दोनों का अलग अलग है, यानी कि यहाँ पे क्या होगा, टोटल गैस जो होगा दोनों का ऐड होगा, दैट्स द बात है। क्या कि हम यहाँ पे टोटल गैस, यहाँ पे जो भी लिखाता है कौन सा गैस लिखाता है, टोटल गैस का मोल लिखाता है, ठीक है, मोल का मतलब कौन सा गैस निकालता है, टोटल गैस का मोल लिखाता है, ठीक। तो यहाँ पे टोटल मोल कितना हो जाएगा गैस का, एन ए प्लस एन बी हो जाएगा, जहाँ पे एन टोटल है वहाँ पे हम लोग क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी, तो पी बी बराबर एन टी के हम क्या लिख सकते हैं, एन ए प्लस एन बी आर टी है, तो आर टी देखते हैं, इसको इधर लेके आ जाओ, किधर पी बी आर टी को इधर कर दो, आ जाएगा आर टी नीचे, क्योंकि मल्टीप्लीकेशन में जब इधर आता है तो किसमें आ जाता है, इसमें आता है डिविजन में आ जाता है, ठीक है। अब वैल्यू पुट करना स्टार्ट करें, पी का मान कितना दिया हुआ, पी का वैल्यूज 200 दिया हुआ है ओके, 200 लिख दो, बी कितना दिया हुआ है, 10 दिया हुआ है ओके, लिख दिया, आर कितना दिया हुआ है, आर हमको आर के टर्म में निकालना है, आंसर में किस में, आर के टर्म में, ठीक है। नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में तुमको लिंक मिल जाएगा, क्वेश्चन डाउनलोड कर लेना, उसके बाद यहाँ पर आकर के देखते रहना, ठीक है। आर आ गया यहाँ पर, टेम्परेचर कितना दे रखा है, 1000 केल्विन इज इक्वल टू एन ए, एन ए कितना दे रखा है, 0.5
फाइव ओके, उसके बाद प्लस एम बी, एम बी कितना है एक्स ओके, इधर क्या आ जाएगा आ गया यहाँ पर। अब क्या करना है यार, देखो दो जीरो एक जीरो दो जीरो तीन जीरो से तीन जीरो खत्म, यहाँ पे कितना बचा टू बाई आर बचा, बचा कि नहीं बचा, टू बाई आर इज इक्वल टू 0.5 को 1/2 लिख सकते हैं। क्यों लिखे हैं वहां पे, क्योंकि यहाँ पे बट्टा पे का जोड़ या फ्रैक्शन पे का एडिशन जो होता है या सबट्रैक्शन क्या करे आसानी से बता सके, ठीक है। तो 2/r नंबर वाले साथ कर देते हैं, 1/2 को इधर लेके आ जाएंगे तो क्या आ जाएगा 1/2, ये x आ जाएगा। अब एलसीएम क्या आएगा, 2 × r का 2r आ जाएगा, 4 आ जाएगा, यहाँ पे माइनस r आ जाएगा, यहाँ पे क्या आ जाएगा x आ जाएगा। तो x इज इक्वल टू क्या आ गया, x इज इक्वल टू क्या आ गया 4 माइनस r बाय कितना आ जाएगा 2r, ये तुम्हारा क्या आ गया आंसर आ गया ओके। देखो कितना सिंपल है, अगर हम लोग वहां पे इतना लिखने की जरूरत नहीं है, अगर हम लोग कंपटीशन मालूम कैसे बना रहे, कंपटीशन का सीधा होता है, सीधा फंडा कि हमको क्या चाहिए होता है आंसर, ठीक है। हमको वो इतना इतना दे रखा है तो हमको मालूम कि बराबर क्या आता है एन आर टी आता है, पी पी कितना देगा 200 दे रखा है, ठीक है। सीधा हम यहाँ पे आकर के लिख देते 200 दे रखा, गोली कितना देगा 10 दे रखा है, यहाँ पे कितना आर है, यहाँ पे कितना है 1000 है, 1000 यहाँ पे कितना एन ए प्लस एन पी तो होगा इलाइट से बात है प्लस एक्स ओके आ गया, फिर तीन से तीन जीरो काट देते हैं, यहाँ पे क्या आ जाता है 2/r, इसको इधर लेके आ जाते हैं 1/2 इज इक्वल टू एक्स ओके, यहाँ पे 4r/2r डेट इज इक्वल टू एक्स, ये कंपटीशन इतना पूरा यानी टर्म पूरा जितना कैलकुलेशन है सबको क्या करना है दिमाग में करना है, यहाँ पे तुम बिगिनर्स हो इसलिए हम तुमको पूरा समझा रहे, वरना सीधा हम लोग ऐसे बनाते थे, ठीक है। चलो उतारो इसको।